हेलो गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर विपिन है, आई एम ए यूरोलॉजिस्ट। आज हम आपको एक लाइव सर्जरी डेमोंस्ट्रेशन देंगे। तो उसमें हम क्या बताएंगे, पेशेंट दिस इज़ अराउंड 35 ईयर ओल्ड जेंटलमैन हैविंग लेफ्ट लॉइन पेन, लेफ्ट साइड में दर्द होता है किडनी में, और उनको एक व्हेन वी डिड ए सीटी स्कैन हमको पता लगा कि उनको एक स्टोन है, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन सर्जरी अब से अगर मैं 10-15 साल पहले जाऊँ या 20 साल पहले जाऊँ तो ये एक इतना बड़ा चीरा लग के निकाली जाती थी। उसके बाद एंडोस्कोपी, क्या नाम है, PCNL का हुआ कि कमर पे छेद करके निकालेंगे। अब द टेक्निक हैज़ बीन रिफाइंड, नाउ वी आर डूइंग RIRS, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लेज़र के द्वारा फ्लेक्सिबल स्कोप से किडनी के अंदर जाते हैं, स्टोन को तोड़ते हैं, पाउडर करते हैं और बाहर आते हैं। ये प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा आज। अगर आप मेरे साथ आएँ तो मैं आपको सिटी स्कैन दिखाना चाहूँगा। पहले ये पेशेंट हैं, ये इनका सिटी स्कैन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो किडनीज हैं इनकी, और लेफ्ट किडनी में अराउंड 12-13 मिलीमीटर का एक लोअर कैलिक्स में एक कैलकुलस है, स्टोन है। तो इसी को हम यहाँ से करेंगे और इस स्टोन को लेज़र के द्वारा पाउडर करके निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं, आइए। मैडम, इसका मेन रीज़न जो होता है ना, वो आई थिंक पानी कम पीना या डाइटरी फैक्टर्स ही होते हैं ज़्यादातर। अगर आप ढंग से पानी नहीं पिएंगे और अपने डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको स्टोन हो जाएंगे। मेरे स्टोन ठीक करने के बावजूद भी, आई थिंक एनी गोभी स्टोन का हम ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसके बाद भी अगर आप डाइट में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो यू विल अगेन लैंड अप इन द सेम इशू। विद इन 5 ईयर्स 50% लोगों को दोबारा स्टोन बन जाता है। सो इट ये इनकी पहली सर्जरी है। बिल्कुल है मैम, अगर आप रिकॉर्ड देखिए, यही पेशेंट हैं, इन्हीं की किडनी है, यही डाइटरी फैक्टर्स द्वारा रहेंगे, हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे 5 साल बाद 6 साल बाद मेरे पास। तो ये ट्रीटमेंट का एक आधा हिस्सा है, हाफ हिस्सा है, पथरी साफ कर दी, सब साफ हो गया। हाँ, पानी ज़्यादा पिएंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन कहेंगे वो करेंगे, उसके बाद चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये RIRS है मैम, इसमें ये स्कोप जो है ये किडनी के अंदर है। अगर आप मॉनिटर में देखेंगे, दिखाएंगे, ये हम वी आर इन द किडनी, ये किडनी का ये यूरेटर बोलते हैं उसको, हम यूरेटर में हैं, ये ट्यूब जा रही है, ये यूरेटर है, हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, किडनी के पार्ट हैं। ये अपर कैलिक्स की तरफ चले गए हम, ये लोअर कैलिक्स एंड मिडिल कैलिक्स, यहाँ जा रहा हूँ मैं नीचे। अगर आप मॉनिटर दिखा पा रहे हैं हमारा, ये हमारा स्टोन है, दिस इज़ द स्टोन। इसको तोड़ना शुरू करेंगे, थोड़ा सा पाउडर करते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद फिर अपर कैलिक्स में लाकर तोड़ेंगे इसको। ठीक है मैम, शुरू करते हैं फिर। ठीक है सर, ओके। सो जैसे कि अब नई टेक्निक आ गई है सर, ये बताइए कि रिकवरी पीरियड जो है आफ्टर द सर्जरी वो कितने टाइम का? मैडम, ये जो मिनिमल इन्वेसिव जो अप्रोच है उसका फ़ायदा यही है कि पेशेंट को कोई टांका नहीं लगेगा, कोई चीरा नहीं लगेगा। पेशेंट को अगर उसका हम एक्सटेंट रखते हैं वो निकल जाए, तो उसके बाद पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा उसका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे कुछ पेशेंट्स हमारे रहे हैं जो एयर फोर्स में या एयरलाइंस में पायलट थे या एयर होस्टेस थी, उन्होंने आज ऑपरेशन कराया और कल जाके अपना दे आर डूइंग द नॉर्मल ड्यूटीज़। सो आई थिंक इसमें यही दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कि जल्दी से जल्दी आप रिकवरी आप पेशेंट की आ जाती है एंड पेशेंट कैन गो एंड रिज्यूम हिज और हर ड्यूटीज वेरी क्विकली। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन में तो दिस इज़ माई लेज़र फाइबर जो ब्लू कलर का 3 o'clock से आ रहा है एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सर्जरी। डॉक्टर ओके कैन वी, ये स्टोन है मैम, ब्लू सा जो आ रहा है 3 o'clock पर, ये लेज़र फाइबर है मेरा। मैम, मैं जब अपनियाँ बोलूँगा आपसे तब अपनियाँ दे दीजिएगा कभी। तो हम शुरू कर रहे हैं मैम, कैन वी स्टार्ट मैम? मैम, शैल वी स्टार्ट? थैंक यू। अभी नहीं, अभी ना करते हूँ। हाँ, उसको हम पाउडर कर रहे हैं, जस्ट मेक इट पाउडर। आई विल, देखिएगा आपके सामने ये पत्थर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कुछ हो रहा है, दिख रहा है? कैन सी दिस मेक आउट ए बिट? देखिएगा, सीधे सर नाउ स्लोली स्लोली हो रहा है।
मैम उनको तो एक ही एक स्टोन है 12 मिलीमीटर का, आई थिंक हम कर सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर तक का स्टोन अगर सब सारे पैरामीटर्स ठीक हैं और स्टोन बहुत मैडम ये 1.2 सेंटीमीटर का स्टोन है मैडम, इस टेक्निक से हम ना अराउंड 2.2 तक हम आराम से कर सकते हैं। देखें पेशेंट सांस ले रहा है, देख रहे हैं पेशेंट इज अंदर एनेस्थीसिया में है, बट हमारे देखिए ऊपर नीचे मूवमेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको इस मूवमेंट्स आर बिकॉज पेशेंट इज अंदर एनेस्थीसिया और वो ब्रेथ ले रहे हैं, मतलब उनको मशीन से ब्रेथ दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाटर भी नहीं चाहिए हमको और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, इट शुड बी मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आइडियल टीडीएस आपको 100-150 मिले, बहुत ज़्यादा टीडीएस वाला भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा प्योर भी ठीक नहीं है, तब 50 टीडीएस भी नहीं चाहिए हमको और 400-500 भी नहीं चाहिए। तो पानी का इनटेक एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, फर्क पड़ता है उससे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, जब ज़्यादा टीडीएस बढ़ेगा तो कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ जाते हैं आपके अंदर। हम पाउडर कर रहे हैं उसको बिट बाय बिट इन द कॉर्नर, गोइंग इन द कॉर्नर। थोड़ा स्टोन बड़ा है, मैं चाह रहा था उसको अपर कैलिक्स में ले लूँ, बट इट्स क्वाइट ए बिग स्टोन, लेट मी फर्स्ट मेक इट लिटिल स्मॉलर एंड देन वी कैन मेक इट इन टू। हाँ किडनी के बहुत सारे पार्ट होते हैं सर, कैलिक्स बोलते हैं उनको हम, मैंने दिखाया था ना आपको, मैं अपर कैलिक्स लोअर कैलिक्स में दिखाया था जब स्टार्टिंग में आया, तो दिखाऊंगा मैं आपको अभी, आई विल शो ऑल द पार्ट्स ऑफ द किडनी। मैडम इनको पेन हुआ था, इनको ये पेन लेके मेरे पास आए, जब पेन लेके आता है कोई भी पेशेंट तो हम क्या करते हैं उनको पहले उनका पेन रिलीव करते हैं पेशेंट का, जो भी कैजुअलिटी में या इमरजेंसी में आते हैं या ओपीडी में आते हैं, और पेन को रिलीव करने के बाद वी डू सम टेस्ट फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड एक्सरेज एंड सिटी स्कैन। तो जो मैंने आपको फर्स्ट फोटो दिखाया था ना आपको, जो वो उनका सिटी स्कैन है जो पीछे लगा हुआ था, अगर आपने देखा हो तो व्यू बॉक्स पे। हाँ सर देखिए एक बेसिक डिफरेंस गॉल बैटर स्टोन में और किडनी स्टोन में ये है, गॉल बैटर स्टोन में हमको गॉल बैटर निकालना पड़ता है और किडनी स्टोन के अंदर किडनी निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप स्टोन निकाल के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च भी की गई है, पता लगाया गया कि ऐसे भी बहुत लोगों ने किया कि गॉल बैटर निकाल के खोल दिया स्टोन निकाल दिया, पर उसके बाद गॉल बैटर काम करना बंद कर देता है, उसके कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाते हैं, इसलिए गॉल बैटर स्टोन्स में गॉल बैटर को निकाला जाता है और किडनी स्टोन्स के अंदर किडनी को बचाया जाता है। कोई भी सर्जरी जहाँ बचाया जाता है वो थोड़ी मुश्किल होती है, निकालने में थोड़ी आसान होती है, बट ठीक है हर सर्जरी के अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन ये थोड़ा मूल डिफरेंस है किडनी स्टोन में और गॉल बैटर स्टोन में। अब देख पा रहे हैं हम कुछ पाउडर कर पा रहे हैं, कुछ पाउडर थोड़ी गर्म, जो कितना क्लीन थी किडनी हमारी थोड़ा पाउडरी पाउडर इकट्ठा हो गया है। मैडम ये स्टोन ना नली में फंसेगा और कि किडनी को ख़राब कर देगा लॉन्ग टर्म में, तो हमको तो हमारा मेन टारगेट यही है कि किडनी सेफ रहे, क्योंकि हम किडनी सेफ करते ही तो स्टोन निकाल रहे हैं, किडनी अगर ब्लॉक हो जाए ये स्टोन नली में फंस जाएगा, इसको यूरेटर बोलते हैं, तो यूरिन आना बंद हो जाएगा एक एक तरफ से पेशेंट को। हम थूलियों में फाइबर लेजर यूज कर रहे हैं तो पानी मारेंगे इसके अंदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी एनएससीआर टीम, उनका रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का कंट्रोल करना ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आप मैडम से पूछे, मैडम बताएंगे आपको एनेस्थीसिया के बारे में और क्या क्या होता है. मेनली हम क्या करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट ये होता है हमको कि हम इसका कब रेस्पिरेशन रोकना है. अभी तो हम न्यूरोकैलिक्स में काम कर रहे हैं, नहीं रुकवा रहे हैं, पर यूजुअली हम एनेस्थीसिया जो डॉक्टर साहब होते हैं उनकी हेल्प लेके पेशेंट का रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स भी कंट्रोल कर लेते हैं. तो आप बहुत प्रिसाइजली पाउडर कर पाते हैं पत्थर को. फिर एनेस्थीसिया तो देखिए, बेहोशी करना तो बहुत एक पार्ट है एनेस्थीसिया का. इट इज़ नॉट अबाउट बेहोशी, इट इज कैसे दे रहे हैं बेहोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी मारना, पानी मारो, हिलाओ पत्थर को, सही है यहाँ पर. सीधा डिफरेंस कुछ कर रहे हैं पाउडर, कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द सर्जरी आई विल शो यू कि हम क्या छोड़ के आए हैं और क्या हमने शुरू किया था. ये निडल, इसको हम लेजर बोलते हैं, ये लेजर है. यही तो, यही तो सर आर्ट है. मैं कहाँ टच कर रहा हूँ उस आर्ट को, देखिए मैं बिल्कुल पत्थर पर ही हूँ एकदम. मैं उसको टच बिल्कुल नुकसान पहुँचाएगी, मारूंगा अगर किडनी पर तो मैं. बट मुझे यही, ये सर यही, दिस इज एन आर्ट, यही तो आर्ट है. मैडम एक आध बार से कुछ नहीं होगा, पर इट शुड नॉट बी डीप एंड शुड नॉट बी रेगुलर अफेयर. आप लगातार मारेंगे किडनी में छेद हो जाएगा इससे. अब इसके इस लेजर के से हाथ पे बर्न्स भी हो जाते हैं अपने, किसी स्टाफ के गलत हाथ पे गलती से लग जाए लेजर चला के तो आपके हाथ पे हाथ जल जाएगा वो अलग वाली. हाँ मैम, इस लेज़र के देखिए पहले तो नाम है इसका थुलियम फाइबर लेज़र. इसको हमें जो एनर्जी सेटिंग मैंने रखी है वो अराउंड 40 फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है, 40 हर्ट्ज़, और 0.2 या 0.3 पे मैं काम करता हूँ. हाँ, जब पेशेंट यूरिन पास करेंगे ना मैम तो उसके साथ आ जाएगा. अब भी होगा क्या, इतना जितना साफ किडनी हमको पहले नज़र आ रहा था ना, उतना साफ नज़र नहीं आएगा क्योंकि पाउडर वाउडर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा हल्का सा. सो एक ख्याल से अगले आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम इसे हम ख़त्म कर पाएंगे. इसको एक आर्ट होता है, सो पेंट करना है पत्थर को, तोड़ना नहीं है, जस्ट पेंट इट. हम कुछ कम कर रहे हैं, पता देख पा रहे हैं आप सब लोग मेक आउट? टूट जाएगा ना, पाउडर नहीं होगा. देख रहे हैं पाउडर, देख रहे हैं पाउडर, ये देख रहे हैं पाउडर, ये बहुत फाइन डस्ट है, इसे बोलते हैं गोल्डन डस्ट. तो इसे डस्ट करेंगे तो पाउडर का आना आसान है ना मैम, एज कम्पेयर टू फ्रेगमेंट्स का आना, चूरे का आना मुश्किल है, पाउडर का आना आसान है. हमारा टारगेट ये है कि पेशेंट को एक बार में जब मैं निकालूँ, स्टैंड निकाल के जाऊँ, तो पेशेंट का पत्थर सारा बाहर आ जाए. दिस इज कॉल्ड डस्टिंग, डस्टिंग करते हैं हम स्टोन का. आपका असिस्टेंट, आपके असिस्टेंट की टीम, हमारे दो असिस्टेंट है, ये सुरेंद्र है, राम है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल दीज आर. मेन काम तो इन्हीं करना होता है मैडम, एवरीथिंग कब क्या चाहिए. तो इट्स हाँ मैडम, मैं चाह रहा था अभी सवाल पूछें. हाँ. आपने बहुत अच्छा पूछा. देखिए ये बहुत बड़ी धारणा है, गलत धारणा है. देखिए ये तो वैसे भी बॉडी में गलत मैडम, ये बिल्कुल मिथ है. जितना आप अल्कोहल पियेंगे उतना यू आर मोर प्रोन टू हैव ए स्टोन. तो ज़्यादा बियर, ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा पथरी. तो ये बोलते हैं ना बियर पीजिए पथरी नहीं बनेगी. हाँ. एकदम उल्टा उसका है, बियर पीजिए और पथरी बनेगी आपको. महीने में एक बार पिया तो ऐसे भी लोग बोलते हैं
महीने में अगर बियर पीता है तो हेल्दी रहती है? नहीं ना, इस बारे में तो आई थिंक कमेंट करना वो नहीं है. बियर पीना इज नॉट ए हेल्दी हैबिट. एल्कोहल पीना किसी भी फॉर्म में हेल्दी तो नहीं बोलूंगा मैं आपको. वंस इन ए वाइल आपको डैमेज के चांस कम हो जाते हैं. आप कोई भी चीज़ अगर हिसाब से की जाए मैम, चाहे वो बियर पीना हो या कुछ भी हो, वंस इन ए वाइल इट इज़ ओके, बट अ रेगुलर अफेयर है तो इट इज़ नॉट ओके. पथरियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, तो ये मुझे लग रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट ही होगी. कैल्शियम का स्टोन होगा, थोड़ा दिख रहा है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हल्का हल्का हमको इसमें, तो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट लग रहा है मुझे, वही होगा ये. अगर पथरी बॉडी से या किसी भी ऑर्गन से टाइम पे ना निकाला जाए तो क्या बड़ी समस्या? देखिए मैडम, देखिए डिपेंड करता है पथरी कहाँ पर है. सिंपल किडनी में पड़ी है और आगे नहीं बढ़ रही है और शांत पड़ी है तो कुछ नहीं करेगी. लेकिन और अगर किसी की पथरी यूरेटर में फंसी हुई है, यूरेटर ट्यूब होती है, यूरेटर जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ती है, वहाँ पथरी अगर पड़ी हुई है और रुकावट कर रही है किडनी में, तो फिर वो किडनी को ख़राब कर सकती है. लॉन्गर टर्म में अगर पथरी रहती है और ना निकाली जाए तो किसी किसी केसेस में कैंसर भी डेवलप कर सकती है. मैडम 40-45 मिनट्स में हो जाती है यूजली आराम से. मैडम नहीं, जान को खतरा नहीं है मैडम. इट इज़ वेरी इट इज़ एन आर्ट सर्जरी, तो कोई भी क्या नाम है छोटी या बड़ी नहीं होती, बट हाँ बहुत डेंजरस सर्जरी है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, वो गलत है. मैम कोई कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसमें? या तो हो सकती है कि जी पेशेंट को इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा. बस मुझे जैसे स्टार्टिंग में हमको आया था एकदम किडनी साफ मिली, इसमें हमको साफ नहीं मिल रही, गंदी मिल रही है, उस केस में मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं स्टेंट डाल के बाहर आ जाऊँगा. ये प्रोसीजर करेंगे ही नहीं. ये प्रोसीजर हम तभी कर सकते हैं जब पेशेंट को किडनी यूरिन एकदम क्लियर आ रहा हो, इन्फेक्शन ना हो कोई. देर शुड नॉट बी एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी इन द यूरिन ऑल्सो, देन यू कैन प्लान दिस सर्जरी. और इसके दौरान क्या हो सकता है, पेशेंट क्या होता है, किसी को ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभी. इन्फेक्शन होने का चांस किसी भी सर्जरी में, स्टोन सर्जरी में, से मैं स्टोन तोड़ रहा हूँ, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे, जो एंडोटॉक्सिन्स होंगे वो निकलेंगे, तो क्या नाम है, फीवर आने का चांस हमेशा रहता है पोस्ट सर्जरी. इसलिए इसको हमेशा हम अच्छे एंटीबायोटिक कवर के अंदर करते हैं. बट मेन इंपॉर्टेंट इज यू शुड नॉट पुट मोर प्रेशर, बहुत प्रेशर नहीं डालना होता, बहुत आराम से काम करना होता है. दैट इज़ आई एम टेलिंग यू ना. हाँ मैडम, आपको अभी तो मैं निकाल नहीं सकता. हाँ मैडम, इसके ना अगर हम देखेंगे ना, क्योंकि यस कड़क पत्थर ही है मैम एकदम. हमने इसका सीटी स्कैन कराया था तो ये हड्डी से भी आई थिंक 1.4 टाइम्स हार्ड था, तो हड्डी से भी. आप बताइए इसको हाथ से तोड़ नहीं पाएंगे आप. मैडम इनको पेन हुआ था, हाँ इनको पेन हुआ था, फिर ये हमारे पास आए तो फिर हमने इनका टेस्ट कराया तो स्टोन मिला. इतने हका आ गए, इसको साफ कर देंगे. जी जी, मैं इनको एकदम पाउडर कर दूंगा. इतने पार्टिकल हम वी विल मेक. देखिए जो ये फाइबर दिख रहा है नीला वाला आपको, ये हाँ. ये हमारा 0.2 मिलीमीटर है. 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर का भी 20% है, 1 मिलीमीटर का भी इतना. और यूरेटर का जो लेंथ हमारा विड्थ होता है वो होता है आराम से 3 मिलीमीटर तक होता है आराम से. तो 3 मिलीमीटर की ट्यूब से 0.2 मिलीमीटर का फाइबर निकल सकता है, फ्रेगमेंट निकल सकता है आराम से. हम कोशिश करेंगे उतना ही कर दें. ये थोड़ा सा वो होता है, मेरे ख्याल से हम 30-40% तोड़ चुके हैं. जब तक ये खत्म नहीं होता तो खत्म नहीं होगा मैडम. टिल द टाइम इट इज नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर. सर जैसे कि अभी आप किडनी की स्टोन निकालने के लिए सर्जरी, हाँ जी, ऑपरेशन में कितने लोग होते हैं? मैम देखिए, एक तो मैं हूँ, हाँ. एक मेरे असिस्टेंट और एक एनेस्थीसिया वाले पर्सन और दो हेल्पिंग हैंड होते हैं बाहर से, वहाँ राम देख रहे हैं हमको लेजर दिखाने के लिए, सीएम दिखाने के लिए. तो आई थिंक हम 3 लोग तो परमानेंट हैं, 2 लोग हमें हेल्पिंग हैंड से होते हैं बाहर. okay. तो 5 का टीम होता है, 500 से होते हैं. देख पाएंगे, देखिए देख रहे हैं, देखिए पाउडर बाहर भी निकल रहा है, ये देखिए. ओके, ये बाहर भी निकल रहा है. यस, थोड़ी सी मुझे क्लीन भी लग रही है. हाँ
थोड़ा एपनिया देंगे क्या मैम प्लीज? मैडम पत्थर की कंपोजिशन है ये, कहीं से काला कहीं से थोड़ा ब्राउनिश। हाँ मैडम, कम से कम इतना बड़ा पत्थर 2-3 साल से तो कब से बन ही रहा होगा। जी नहीं मैम जिसको जी जब भी पत्थर नीचे आएगा फंसेगा तभी पेन करेगा, तभी पेशेंट को पता लगेगा। मैंने कहा आपसे पानी मेन कारण, आप पानी ढंग से नहीं पिएंगे तो आपको बनेगा। जस्ट मैडम मुझे दे दीजिए 20 सेकंड दे दीजिए। हम कर दीजिए मैम, ठीक आपको सब तक किडनी दिखाता हूँ मैं, किडनी कैसी होती है। ये हम किडनी में है, ये वो नली जो पेशाब को जोड़ती है, इसे बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर है, हम पेशाब के रास्ते नीचे जाते हैं ऊपर किडनी में जाते हैं, तो ये नली यूरेटर बोलते हैं इसको। यूरेटर से मैं जाऊँगा किडनी जा रहा हूँ, ये पेल्विस है। आपने पूछा था सवाल मुझसे किडनी है, किडनी के कुछ हिस्से होते हैं क्या, ये इसे कैलिक्स बोलते हैं, ये अपर कैलिक्स है। ये देख रहे हैं चूल्हा, देख रहे हैं आप, ये पाउडर देख पा रहे हैं, कैन मेक आउट दिस। इसको ज़रूरत नहीं है निकालने की, अपने आ जाएगा यू, इसको आप पकड़ भी नहीं सकते हाथ में ना, बारीक है सब। अंदर जाएंगे किडनी का ये हिस्सा है, देखिए कितना पाउडर है, देख रहे पाउडर आप, फुल पाउडर। ये किडनी का हिस्सा है, इसे अपर कैलिक्स बोलते हैं। मैं बाहर निकल के आऊँगा, यहाँ से ये मिडिल कैलिक्स है, किडनी का बीच वाला हिस्सा, ये किडनी का नीचे वाला हिस्सा है, इसे बोलेंगे लोअर कैलिक्स। ये लोअर कैलिक्स है, यहीं पर हम काम कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं पाउडर वाला, और हमने पत्थर कहाँ तोड़ा था, वो यहाँ तोड़ा था। सुरेंद्र थोड़ा पानी मारेंगे, ये पत्थर दिख रहा है आपको, इतना ही है मैम। इसको उठा के मैं सोच रहा हूँ इस पत्थर को उठा के हम यहाँ से यहाँ पे पिक करेंगे, अभी यहाँ रख देंगे और यहाँ से फिर तोड़ेंगे आराम से। यहाँ पर रख सकते हैं, अंदर थोड़ा पानी मारेंगे यहाँ भी आराम से, छोड़ दीजिए पानी, लेट अस वेट। एक तरह का ये कंटिन्यूस सिस्टम है, जो पानी जा रहा है वो साइड से बाहर भी निकलता रहता है, तो आपका किडनी का प्रेशर नहीं बढ़ता है इससे। बस कर देंगे मैं उसके अंदर, तो हम ट्राई करेंगे स्टोन को यहाँ से हटा के ऊपर लाने के लिए, इसको बोलते हैं बास्केटिंग करेंगे। मैडम ये ट्यूब जो है ना ये बहुत पतला है, दिस ट्यूब इज़ अराउंड 3-4 मिलीमीटर, इसके अंदर से इतना 12 मिलीमीटर का स्टोन कैसे आएगा, इसलिए नहीं निकाल सकता। निकालेंगे तो हमें ला दो बास्केट, दो मैं चाह रहा हूँ स्टोन को लोअर कैलिक्स से उठा के मिडिल कैलिक्स में मूव कर दें। उससे क्या होता है, जो फ्रेगमेंट्स लोअर कैलिक्स में रहते हैं ना वो ग्रेविटी से बाहर नहीं निकलते आसानी से, तो हम स्टोन को थोड़ा मोबिलाइज करके अपर कैलिक्स में ले लेते हैं, जिससे कि हम आराम से तोड़ पाएँ उसको। और ये बास्केट है, देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बास्केट। ये एक डिवाइस है जो स्टोन को पकड़ के ऊपर लाने में हेल्प करती है। पहले हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बड़ा स्टोन था और बाहर नहीं आ पा रहा था इससे, अब देखते हैं शायद आ जाए। देखिए लेट अस सी, बेटा मैम देख रहे हैं आप, ये स्टोन हमारा बचा है, बस ये स्टोन यहाँ पर होता था पहले, इससे उसके यहाँ पर ले लिया हमने, लव क्लीजर दिया जाए उसको, वी कैन डू इट लिटिल फास्टर नाउ। तो जी तो
नहीं मैम, कोई जख्म नहीं होता, कहीं कुछ ब्लीडिंग नहीं होती, एवरीथिंग इज डीप क्लियर। अगर आप किडनी को टच नहीं करेंगे, प्रिसाइजली करेंगे, तो बिल्कुल जख्मी होंगे, क्योंकि हम बॉडी में कहीं हमने कट तो मारा ही नहीं है, वी आर यूटिलाइजिंग द नेचुरल ओरिफिसेस। जी मैडम, उसको हमने अपने ना अपने लिए फेवरेबल कैरिक्स में ले लिए। पहले मुझे इतना मोड़ना पड़ रहा था, यहाँ जाना पड़ रहा था, तोड़ना पड़ रहा था, अब मैं यहीं हूँ, आराम से तोड़ूँगा, आराम से काम हो पाएगा हमारा। चलें शुरू करें, कैन यू स्टार्ट द लेजर प्लीज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फास्ट भी हो जाएंगे थोड़ा सा। थोड़ा टाइटल वॉल्यूम कम कर सकते हैं क्या? रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है मैडम कुछ? नहीं, 12 इज ओके, 12 इज ओके। हमको इसमें पेशेंट की सांस की गति भी कंट्रोल करनी पड़ती है। मैं जो बोल रहा हूँ मैडम को अभी, ये कम कर दीजिए, वो कम कर दीजिए, यही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, कहाँ कहाँ जख्म कर रहे हैं, ये तो घूम रहे हैं ना वो तो सर। भाई कोई चीज़ की तो किडनी में ही था पत्थर, तो थोड़ा टकटक किडनी के अंदर तो घूम रहे हैं। अब ग्लास के अंदर चीनी शक्कर घूमेगा, हर छोट मारेगा। थोड़ा सांस दे दिए, मैं थोड़ा मैं वो करूँगा यार, थोड़ा लेजर फाइबर छिलवाऊंगा फिर से एक बार। फिर ये भी रोके रहो, बता दूंगा, देना बता देना मुझे। हाँ, अरे लेजर ऐसा एनर्जी निकलती है इससे, बस पत्थर टूटी इसलिए रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है। आपको किडनी टच नहीं करनी उससे, बस जो करना है करिए, किडनी टच नहीं करनी है आपको। हाँ मैडम, ये फाइबर जो है ये हमारा 0.2 मिलीमीटर का है, आई थिंक ये काम हो गया है पूरा, सब आ जाएगा वहाँ। दोगे दे दो, हमने जहाँ से शुरू किया था यहाँ देखिए एंड में। देखिए ये किडनी का हिस्सा एक, मैडम जस्ट समथिंग 5 मिनट्स मोर और पाउडर करूँगा, खत्म, दैट्स ऑल। फाइबर छीन लीजिए, लेजर स्टैंड बाय, सांस दे दीजिए बेटा आराम से अभी। हाँ, विल सी, कुछ बचा तो नहीं है, देखिए देख रहे हैं पाउडर ये। और पाउडर एक आध फ्रेगमेंट है ये वाला, यहाँ पर है, देख रहे हैं ये, देखिए ये वाले पड़े हैं, देख रहे हैं, और बहुत बारीक है, हम तो इतना पास जाके देख रहे हैं हम इसको, तब आपको दिख रहा है इतना बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है ये। ये जो फाइबर था, ये जो स्कोप है इसका, जो इतना बड़ा स्कोप दिख रहा है आपको, ये बड़ा, इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है। अच्छा, ये कितने बड़े होंगे कुछ, ये फिर वहाँ से और बारीक कर देंगे, आई थिंक ये सब आ जाएंगे अपने आप, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मैडम बैठी हैं, हम सेटिंग क्या है सीजर की? हाँ पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 करना, पॉइंट 4 तो पानी आ जाएंगे, सुनते आ जाएंगे, सुनते हुए करो भाई, कितना है? वॉट इज लेफ्ट एट द एंड, मैक्सिमम तो पाउडर हो गया था, जो फ्रेगमेंट रहे थे आखिरी में
उनको हमने इतना बारीक कर दिया है आई थिंक कि आराम से बाहर आ जाएंगे यूरिन के द्वारा। ये दिस फाइबर जो बाहर दिख रहा है आपको ये वाला, ये 0.2 मिलीमीटर है, उससे भी छोटे हैं ये सब। ये लंबाई जो है फाइबर की, ये वाली लेंथ नॉट विड्थ। सो ये आराम से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। इट इज मूविंग विद वाटर ओनली, कुछ नहीं होता, नहीं स्टैंड डालिए, व्हेनेवर यू रिमूव द स्टैंड एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। हाँ को, हाँ ठीक है मैम। ये 0.1 मिलीमीटर, हमको तो 5 मिलीमीटर से कम करना होता है, हमने तो बहुत कम कर दिया है। पाउडर है देखिए सब, तो जो आप देख रहे हैं मेरा स्कोप 3 मिलीमीटर का है। हाँ पानी मारिए, बताइए, ये आ जाएगा सर। सर वेंटिलेशन पे डाल कर दीजिए, हम स्टेंट डालेंगे मैम एंड देन आवर सर्जरी इज ओवर। करा दो सीएम प्लीज, जल्दी प्लीज। मैडम हो गया, मैं हम बंद कर सकते हैं चाहे तो। सर्जरी इज ओवर फ्रॉम आवर साइड, आई थिंक वी हैव डन द सर्जरी, हो गया है सब। मैं स्टैंड प्लेस कर रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी आउट, जो भी हमने माइनर फ्रेगमेंट्स किए हैं, पाउडर किया है, वो सब निकल जाएगा। आई थिंक द सर्जरी इज डन नाइसली। आई थिंक वी टुक, व्हाट टाइम इट इज राइट नाउ? 6:10 तो हमने आते हैं पूरा मेटा मोटी, हमने 45 to 50 मिनट्स लिए 1.3 to 1.4 सेंटीमीटर स्टोन के लिए। इज फेयर, इट वॉज ऑल्सो नो हार्ड। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।